नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं सूर्यांश प्रशांत अवस्थी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थर्ड ग्रेड के रिजल्ट आने से पहले एक आखिरी प्रयास करने की कोशिश की जा रही है और ट्विटर पर ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ना अभी तक फर्स्ट ग्रेड का, ना सेकंड ग्रेड का और ना थर्ड ग्रेड का भी रिजल्ट आया है। पर थर्ड ग्रेड के रिजल्ट आने से पहले स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना एकदम क्लियर है कि जो अभी 48,000 पद हैं उन पर अभी वैकेंसी हो रही है। अगर ये वैकेंसी में पद को बढ़ा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जो 48,000 पद है वो भर जाएंगे, उसके बाद भी 17,000 से 18,000 पद बचने वाले हैं। और अगर 5 साल की बात करें तो ये पद होने वाले हैं 40,000। जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं उनके हिसाब से ये मांग है कि अभी जो पद है उनको बढ़ाकर 48,000 से 60,000 कर दिया जाए, जिससे ज्यादा बच्चों को नौकरी मिल सके। क्योंकि सरकार बनने के बाद 1 से 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। आज ट्विटर पर ये चीजें काफी ज्यादा आगे रही हैं, पर हम लोग इस ट्वीट के ऊपर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, इस ट्वीट में एकदम क्लियरली लिखा है कि अध्यापक भर्ती की 48,000 पोस्टिंग होने के बाद भी 17,000 से 18,000 से ज्यादा पोस्ट रिक्त रहेंगी। चुनावी समय होने के कारण 1 से 2 साल नया एग्जाम होना मुश्किल है, इसलिए सरकार को इसी भर्ती में पद बढ़ाकर कम से कम 60,000 कर देने चाहिए। इसके साथ आप इस दूसरे ट्वीट को देख सकते हैं। इस ट्वीट में लिखा हुआ है, 2 साल बाद यह पोस्ट फिर से 40,000 के करीब रिक्त हो जाएगी। ऐसे में सरकार पिछले 5 साल में एक भी भर्ती पूरी नहीं कर पाई है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन है कि अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या को बढ़ाकर 60,000 करें। स्टूडेंट ने पूरी तरह से प्रयास किया कि इसे ट्वीट पर ट्रेंड किया जा सके, पर बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं हो सका। तो दोस्तों, क्या ये 48,000 से 60,000 की मांग एक अच्छी मांग होने वाली है? अगर आप भी इसका सपोर्ट करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ।